इंटर विज्ञान, इसमें परीक्षा के लिए जो आवेदन किए थे जिन परीक्षार्थियों ने, उनकी संख्या थी इंटर विज्ञान में 88,145, 88145। इनमें से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 56,445। कहने का मतलब यह कि 64% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य में मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरमीडिएट साइन आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से अपने वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में भी छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मौके पर परीक्षा परिणाम जारी करने जैक कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने भी इंटरमीडिएट में नामांकन लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो ना तो परीक्षा की तैयारी कर सके और ना ही उनका रिजल्ट ही प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और वो खुद इस कोरोना के कारण काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से उनका यह साल बर्बाद हो गया। आने वाले समय में अगर जिंदा रहा तो वो इंटर पास जरूर करेंगे। ऐसा है ना, इस दाखिला लिए थे लेकिन कर नहीं सके, ये पूरा दुनिया जान रहा है कि कैसे सिर्फ भारत नहीं पूरे देश में, पूरे दुनिया के देश में प्रभावित COVID-19 के चलते प्रभावित हुआ। तो सबसे बेसी प्रभावित जगन्नाथ महतो और स्कूल प्रभावित हुआ, सबसे बेसी स्कूल प्रभावित हुआ है। आज तक बच्चों का स्कूल का 1-1.5 साल से दरवाज़ा तक नहीं गया, इसलिए इसमें कुछ कहने के बाद में हम वैसे खुश रहते। अगली बार परीक्षा देंगे सर? जरूर देंगे, जिंदा रहेंगे तो जरूर देंगे।